जबरान उस मिट्टी से नहीं बना जो चंद लोगों की बक बक चीखने चिल्लाने से परेशान हो जाए। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ। वो मरियम को ले गया, वो मेरी बच्ची को मुझसे ले गया है। न जाने क्या सलूक कर रहा होगा उसके साथ। सलीम, थोड़ा सब्र से काम लो समन बेटा। मुझे पुकारती रही, चीखती रही और मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या तकल्लुफ किया आपने? तकलीफ कैसी? आपने इस परेशानी में मेरे लिए, मेरी एक फोन कॉल पे आप चले आए इतनी रात को। आपकी प्रॉब्लम का सुन के मैं कैसे रह सकता था? आप नाश्ते में क्या लेंगे? सच पूछिए तो मरियम का सुन के मेरी भूख ही उड़ गई है। आपका चेहरा देखा नहीं जाता, आप हंसती मुस्कुराती रहती हैं, बातें करती हैं तो अच्छी लगती हैं। बहुत खुलूस है आपके दिल में दूसरों के लिए। आप देखिएगा, मरियम बहुत जल्द आपके पास होगी। हमारे पास जी। घर वालों से बात हो गई आपकी? हाँ, नवाब से बात हुई थी। और आपा? मैं कर लूंगा आप समन। कमाल करते हैं आप। आपको नहीं बताया आपने? दीजिए अपना फोन, दीजिए मैं बात करती हूँ। लाइए। मैं कर लूंगा समन बात में। कॉन्टैक्ट्स की थी आप आ गई थी, आप मिल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहादुर क्या हो गया? तू क्यों इतना परेशान हो गया? जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अबे कोई बात नहीं हुई, कोई खबर नहीं आई और तू कह रही है परेशान ही ना हो। कर लो बात। ओहो, बात हो जाएगी। देखो परेशान होने से क्या मंजर बदल जाता है? अब मंजर नहीं बदला, इसीलिए तो परेशान हूँ। अच्छा अब ये रोनी सूरत बनाना बंद करो। तुम दोनों लफंगे ये रोनी सूरत में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वैसे कसम खुदा की आज तूने भी मुझे परेशान ही कर दिया। इतनी हमदर्दी तो तूने मुझसे आज तक कभी नहीं जिताई। कोई खास वजह है क्या? जरूरी है कोई वजह हो, बगैर वजह के भी तो हमाकत की जा सकती है। अच्छा बच्चू, तो पिछले 10 मिनट से जो तू मेरी हमदर्दी में बकवास कर रही थी वो अब हमाकत है? अबे तेरे जैसा अहमक इस हमदर्दी के बाद अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो फिर ये हमदर्दी भी हमाकत ही हुई ना। अबे पागल, मैं तेरे लिए रिस्क लेकर घर से आई हूँ और तुझे कोई हमदर्दी ही नहीं है। और सुन, अब ये बहादुरी दिखाने की कोशिश ना करना, अगर तुझे कुछ हो गया तो। अबे 10वीं का अलजबरा समझना ना शान काम है, पर तुम दोनों बहनों को समझना ना ना मुमकिन ही है भाई, ना मुमकिन है। मैं जा रहा हूँ। अरे सुन ना, कहाँ जा रहा है? अबे तूने मुझे इधर उधर की बातों में लगा रखा है, मुझे मामू और नवाब की खबर तो लेने दे। अच्छा सुन, अगर उनका कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। किसका? नवाब का या फिर चम्मा मामू का? बेवकूफ जाहिल, तेरी बात कर रही हूँ मैं, और किसकी बात करूँ? अच्छा अच्छा, अब कोई टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। कसम अल्लाह पाक की मियाँ बहादुर, दिल लगी की बात कर रही हूँ, सच बता रहा हूँ तुझे भाई। इतना दिल परेशान हुआ तुम्हारी ये बात सुन के। अब क्या कर सकते हैं शिकारी चाचा, होनी को कौन टाल सकता है। ये तो तेरी बात ठीक है, लेकिन देख मेरा बेटा, ये तुमने उस वक्त मुझे बताना था ना जब सारा वाक्य हुआ, मैं खुद जाता उनके साथ। अब क्या बताते, चम्मा मामू तो रात को ही निकल गए और नवाब मियाँ अभी भी चले गए। अरे
नवाब भी निकल गया। तेरे भाई तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? तेरा भी काम है उनके साथ जाना, चल उठ निकल ले। अबे शिकारी चाचा क्या हो गया, अगर सारे उधर चल जाते तो अम्मा घर में अकेली रह जाती, उनके पास कौन रुकता? अरे वो अम्मा के लिए तो भाई उनके पास वहाँ कौन है, उनके पास भी तो कोई नहीं है। अबे उधर तो इतने लोग हैं, इधर ही नहीं थे। उधर तो बहुत सारे लोग हैं, उधर जो बहुत सारे लोग हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं। भेड़िए ये अगवाकार बहुत खतरनाक लोग हैं। ना करो शिकारी चाचा। मैं सही कह रहा हूँ अल्लाह की कसम, ये तो जो दरिंदों के शिकारी होते हैं ना, दरिंदों के शिकारी, ये कमबख्त हमारे अगवाकार उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। अबे शिकार करना इतना गंदा काम है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या बकवास कर रहा है, शिकार करना गंदा काम नहीं है भाई, इस तरह के अगवा करने वाले लोग गंदे होते हैं, तुम शिकारियों को बीच में ले रहे हो। अबे शिकारी चाचा तुम भी तो हर बात के अंदर शिकार घुसा देते हो ना, अब ये बताओ करना क्या, काम की बात करो। करना क्या है, सम्मन इस वक्त परेशान है और सम्मन का हमारे पूरे मोहल्ले पे बहुत बड़ा एहसान है, उसने बड़ा साथ दिया मोहल्ले का, और इस वक्त मोहल्ले का फर्ज है भाई कि उसके पीछे खड़े हो, जब वो देखेगी कि पूरा मोहल्ला मेरे साथ है, इतनी बड़ी मुश्किल उसके लिए आसान हो। अबे शिकारी चाचा खड़े होना काम नहीं है, करना क्या है ये बताओ। अबे करने के लिए वो जो है मरदूद, वो क्या नाम है उस कमबख्त का, वो ठाकुर, ठाकुर ना, वो कमबख्त किस दिन काम आएगा बदमाश, वो ठाकुर, वो तो डायरेक्ट सम्मन के साथ राब्ता भी तो चाहता है। अबे उस ठाकुर भाई की तो बात ही ना करो, वो भी कोई बंदा है। कसम अल्लाह पाक की बहादुर मियां, बड़े पाए का वो बदमाश है, ठीक ठाक उसका शबशबा है, टिकटिका है उसका, मैं बात करूंगा उससे। हमारी तो सुनने वाला नहीं है वो। तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा, चल चल के बात करता हूँ मैं। उठ फिर, चल उठ चल, वो आगे लग, ऐसी कौन सी बात है, चल देख लेते हैं। यार पर तू मुझ पर क्यों चढ़ाई करी भाई खामा खाई में? अच्छा तू मुझे ये बता, तुझे ये बताया किसने कि अपन लोग यहाँ पे आए हैं? जिसने भी बताया, तुमने तो नहीं बताया, और अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मामू के साथ बैठ के हलीम घोट रहा हूँ। अबे यार पता तो है मामू समन की हेल्प करने के लिए आया, अपन मामू की हेल्प करने आया, एक पूरा साइकिल चल रहा है यार हेल्प करने का यहाँ पे। देख नवाब, अगर तुमने कोई हमाकत की ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर मैंने कोई हमाकत की ना तो मैं तुझसे माफी मांगूंगा भी नहीं। नवाब तुम एकदम जहन्नमी हो। घोंचू मैं तो मोहब्बत से कह रही हूँ। अबे यार तूने पहली मरतबा मोहब्बत की बात की, मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा, बंदा बता देता है कम से कम यार कि तू सीरियस है। अच्छा चल दोबारा बोल। नवाब मैं सीरियस हूँ। अबे तो मैं कब कह रहा हूँ यार तू मजाक कर रही है, एक तो तू मेरी बात को हर वक्त मजाक में क्यों लेती है यार, मैं इंतहाई सीरियस आदमी हूँ। अरे यार मैं जानता हूँ यार मोहब्बत चीज ही इतनी प्यारी है, इसमें सीरियस तो होना पड़ता है यार, मैं कितनी मरतबा सीरियस हुआ यार, तू जानती तो है। नवाब ये मजाक नहीं है। अरे मोहब्बत कभी मजाक होती भी नहीं है बतूल। अच्छा बकवास बंद करो, इतना सीरियस मसला चल रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा जब मैं मोहब्बत की बात करता हूँ तो तुझे क्यों मजाक लगता है यार, एक तो ये भी अजीब मजाक है। पता नहीं क्यों नवाब तुम्हारे मुंह से ना मोहब्बत की बात एक लतीफा लगती है। अच्छा तो फिर हंसो, मैं करने लगा हूँ मोहब्बत की बात, हंसो हंसना। अबे यार मुझसे ज्यादा मोहब्बत को कौन समझता है बतूल, जिसको आज तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। अबे यार और फिर ये मामू की मोहब्बत ही तो है जो मुझे यहाँ पर इतनी खतरनाक जगह पर खींच के लेके आ गई है। देखो नवाब ये बहुत खतरनाक है, और तुम्हें क्या तजुर्बा इन कामों का? अबे क्या बात कर रही है, अबे यार मुझे तू डरा तो मत बतूल यार। यार अब इन कामों में पड़ूंगा तो थोड़े मेरे हाथ साफ होंगे ना यार। फिर मजाक, तुम मंदे हो कि क्या हो, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि खतरा तुम्हारे सर पर मंडला रहा है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो बस। अबे कैसे निकलूं यार, इधर सिचुएशन एकदम गंभीर चल रही है। अबे मामू को फोन पे फोन आ रहा है यार, तू कह रही है मैं निकल आऊं हैं? किसकी कॉल आ रही है? अबे उसी सुसरे के यार जिसने समन की बच्ची को अगवा किया है यार। क्या वो तुम तक पहुंच भी गया? देखो नवाब तुम अब तो फौरन वहां से निकलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अबे लग तो मुझे भी बिल्कुल ठीक नहीं रहा यार, लेकिन क्या करूं, अबे यार मामू को यहां पे अकेला छोड़ के आ भी तो नहीं ना सकता। अच्छा लेकिन तू फिक्र मत कर, अगर कोई ज्यादा खतरे वाली बात हुई तो मैं पता भी कोई नहीं मामू को छोड़ के अकेला ही आ जाऊं। किसने कहा था इसको यहां चलाए वापस पाकिस्तान, अब इसकी किस्मत मुझे लिखा है वो तो फिर मैं हूँ या ना हूँ होना तो है ही ना यार, अपन क्या कर सकते हैं अब, मरेगा साला। अच्छा बात सुन, मुझे लगता है कोई आ रहा है यार, मैं फोन रख रहा हूँ। नवाब सुनो, बहुत ही बेवकूफ है, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी परेशान करेगा, समझ ही नहीं आती इसको कुछ भी। मुझे फिलहाल 3 करोड़ चाहिए। किस जगह पर? फोन रखता हूँ, अच्छे बच्चों की तरह मेरी अगली कॉल का वेट करो। कुछ ज्यादा मुतालबा नहीं कर दिया जबरान, इतनी बड़ी रकम वो दे देंगे? बड़ा माल बनाया हुआ बुड्ढे ने,
उसमें से अगर 2-4-6 करोड़ निकल भी गए तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो आपको जानता है, उसे मालूम है कि कितनी डिमांड की जा सकती है। मेरी बात गौर से सुनो। जानता हूं तुम लोगों के घर में इस वक्त पुलिस का आना जाना जरा ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मेरी कॉल को रिकॉर्ड करके या मुझे ट्रेस करने की नाकाम कोशिशें मत करो, इसका अंजाम बहुत गलत होगा, बता देना समन को। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, कहो क्या डिमांड है तुम्हारी? मुझे फिलहाल 3 करोड़ चाहिए। 3 करोड़? बास्टर्ड, ये रकम कोई और नहीं, तुम लेकर आओगे, इसलिए कि मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। किस जगह पर? बता दूंगा जल्दी क्या है, पहले समन के बाप से कहो कि रकम का इंतजाम करें, और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं इसका बंदोबस्त करने के लिए, ठीक है? फोन रखता हूं, अच्छे बच्चों की तरह मेरी अगली कॉल का वेट करो, और ट्रेस मत करना, नहीं हाथ आऊंगा। बाय। बताओ कहां से थी कॉल? जगह बदल बदल के कॉल कर रहा है, और इस बार फिर नई सिम से कॉल कर रहा है। बहुत होशियार और कमीना शख्स है ये। मैं जानती हूँ वो ऐसे ही करता रहेगा, मेरी बेटी मुझे वापस नहीं देगा। मैडम समन, आप परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। उसका दिमाग खराब हो गया स्टूपिड। 3 करोड़, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम 24 घंटे में करना, मजाक है क्या? पापा प्लीज, अगर मरियम को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? वो मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मरियम उसकी भी तो बेटी है ना। पापा खुदा के लिए, बहस करने का ये टाइम नहीं है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। मेरा ख्याल है कि हमें सोच विचार करने की जरूरत है। और ये आप करेंगे? नहीं, हम सब करेंगे। अबे ओ सेठ अंकल, अपन का मामू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा अपन का मामू, याद रखियो। नवाब, ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। अरे तो ऐसी सूरत हाल में तो हीरो की एंट्री होगी ना मामू। अरे देख लेना मामू, मरियम को तुम ही लेके आओगे, इस घर में खुशियां आएंगी जरूर, लेकिन उसको लाओगे तुम ही। कुछ ज्यादा मुतालबा नहीं कर दिया जबरान? इतनी बड़ी रकम वो दे देंगे? मुझसे बेहतर कौन जानता है कि वहां कितना पैसा है, बड़ा माल बनाया हुआ बुड्ढे ने, कब्र में लेके जाएगा क्या? अब उसमें से अगर 2-4-6 करोड़ निकल भी गए तो उसको क्या फर्क पड़ता है? पैसा होने का मतलब ये तो नहीं जबरान कि वो दे भी देंगे। झक नहीं मारी है मैंने मरियम को अगवा करके, समन की जान मरियम में है और समन के बाप की जान समन में। अगर वो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है तो 2-3 करोड़ उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन जबरान, वो सुकून से नहीं बैठेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम तक पहुंचने की। जानता हूं, लेकिन यहां उनके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते अंटिल अनलेस तुम लोग कोई हिमाकत ना करो। इसीलिए बार बार बकवास कर रहा हूं कि मोहतात रहो, कोई गलती मत करना। कैसे गलती कर सकते हैं जबरान? हमें अपनी जान अजीज नहीं है, पुलिस हमारे टुकड़े कर देगी। वो तो बाद में करेगी, लेकिन उससे पहले जो मैं हशर करूंगा वो पुलिस से ज्यादा भयानक होगा, इसीलिए कह रहा हूं बी केयरफुल, अपने चारों तरफ नजर रखो, बिला वजह इधर उधर आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है अपने मोबाइल को ऑन करने की, उसकी बैटरियां निकाल दो। अगर कोई कॉल करनी हो तो मुझसे मोबाइल ले लेना, समझे? समझ गए।
अबे चाचा मुझे लगता ठाकुर कहीं पिया देश निकल गए। तुम कर लो बात भाई ठाकुर से, मैं कह के गया हूँ हम उसे भुगत चुके हैं। इस कमबख्त ने जाना कहाँ यार, कहाँ जाएगा वो बेचारा, यहीं कहीं होगा। अबे जा भी जाएगा लेकिन वापस यहाँ नहीं आएगा। अब वो एक बात बता दूं तुझे मियाँ बहादुर, बड़ी उम्मीद लेके आया था मैं तो इसके घर पे, सीधी सी बात है। हाँ अबे उम्मीद तो हम भी कुल कोई 3 बार लेकर आया, लेकिन हर बार उसने हमारे मुंह पे हमारी उम्मीद पे पानी डाल दिया। परेशान ना हो, कहाँ जाना उस बेचारे ने, यहीं कहीं होगा। तुम उधर देखो मैं इधर देखता हूँ, यहीं होगा मुमकिन। अबे ठाकुर, अब बहादुर जरा आगे होके पूछ भाई। ठाकुर मियां, ठाकुर मियां कहाँ हो? अबे ठाकुर, भाई मेरी आवाज आ रही है किधर है? तो वे कमरा में बिल्कुल खाली है, मतलब पूछा कहाँ गया? उनका शिवाया करके ठाकुर भाई चला कहाँ गया? भाई बेटी अगवा हो गई है। किसकी? सलीम की। ओहो, अब सम्मन की बेटी, और अपने सलीम मियां उसको बाजियाब करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और ये मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये पूरी गंभीर किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। वो मासूम गैंती तो बहुत परेशान होगी। चलो मैं सलीम मियां की बात कर रहा हूँ, सम्मन की परेशानी बीच में ला रहा, और तुम ये गेती को बीच में कहाँ से ले आए? तुझे गेती की परेशानी से क्या लगे? तो क्या गेती तो खुश है ना? तुझे बताने का ये मकसद है कि देखो हमें इस वक्त सम्मन के लिए मिलके कुछ ना कुछ करना चाहिए। भैया अगवा का मसला है, हम शरीफ लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अबे भट्टी, इस मुश्किल वक्त में यार उसे हौसला मिलेगा, और उसे ये अंदाजा होगा कि जिन लोगों के लिए मैं दिन रात काम करती रही हूँ आज वो मेरे साथ हैं। मगर तुझे क्या मुसीबत पड़ी है ये सब कुछ करने की? भट्टी ये सिर्फ उसके एहसास का जवाब है। जरा सोच यार, उसने हमारे मोहल्ले के लिए क्या कुछ नहीं किया, बच्चों के स्कूल के लिए उसने किया, और तो और हमारे मोहल्ले की औरतों के हकूक के लिए उसने बहुत कुछ किया यार। बकवास बंद कर, तू साफ क्यों नहीं कहता कि ये सब कुछ तो गेंती के लिए कर रहा है? बस बस भट्टी की कसम, अल्लाह पाक की दिल लगी बात करी, अब जुबान से और कुछ मत निकालना। तू जैसा बाहर से गंदा, तू वैसा ही अंदर से भी गंदा। तेरी शराफत के भी जो झंडे गड़े हैं ना, वो मैं भी सब जानता हूँ। अबे चल चल, तुझसे तो कसम अल्लाह पाक की बात करना ही बिल्कुल फजूल है। चल जा, जा जाके घर पहुँच, अगर देर हो गई ना तो बल्कि से जूते खाएगा जो तू सारी जिंदगी खाता है। अच्छा काली बिल्ली, आगे से हट 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 हट, जाने दे मुझे। वो इस पर बस नहीं करेगा, और पैसे मांगेगा। वो आपको जानता है, उसे मालूम है कि कितनी डिमांड की जा सकती है। पापा, जो भी मांगे वो आप प्लीज उसको दे दीजिए, मेरी बेटी उसके पास है। हमें कुछ और सोचना चाहिए। क्या मतलब? अगर हम ये सोच लें कि हमें उसे पैसे देते हुए पकड़ना है, तो शायद हमें पैसों की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, मेरी मरियम उसके पास है, मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हूँ? पैसे लेने के बाद वो क्यों हाथ आएगा? बेशक ना आए, मैं तो यही चाहती हूँ, बस एक बार मेरी मरियम मुझे मिल जाए। ठीक है, वो हाथ नहीं आएगा, आइंदा वो इस तरह नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी वो इसी घर का रुख करेगा। यस, ये ठीक कहता है। मेरा बस चले तो मैं जिब्रान के सर में गोली मारूं। आप लोग बोलते हो ना, तो अपन दोनों गोली मारने की उसको ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन दोनों के पास गोली और पिस्तौल तो होनी चाहिए ना। हे मिस्टर, ये सीरियस बात हो रही है, संजीदगी से बात करो। अरे तो हम लोग भी तो बिल्कुल संजीदगी से बात करें ना सेठ चाचा। नवाब, हम ये भी कर सकते हैं कि हमें जो भी करना है हम 23 घंटे के अंदर अंदर करें, ताकि हमें प्लान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, और उसे रद्द अमल करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिले। लेकिन हमने करना क्या? हमें उसे यह बताना है कि रकम का इंतजाम हो गया है, और हमें कब और कहां आना है, इस तरह हम उसे फंसा सकते हैं। इस पर मजीद सोचा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर से मशवरा कर लिया जाए। नहीं,
नहीं बाबा, कोई मशवरा नहीं करेगा, बस जो उसकी डिमांड है आप पूरी कर दे, मेरी मरियम मुझे वापस दिला दे बस। ओ बेटा, ये सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं। देखो, उसे सिर्फ वापस नहीं लेके आना, आइंदा के लिए सिक्योर भी करना है। डोंट यू वरी समन, हम कोई बेवकूफी नहीं करना चाहते। अब आई थिंक इंस्पेक्टर से बात करते हैं, चलिए। ये हमारे साथ ही ऐसे पंगे क्यों होते हैं भाई? अच्छी खासी कहानी चल रही थी, पता नहीं ये बीच में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया। नया नहीं, खतरनाक। अब क्या करें? हम क्या करें, हमारी दौड़ तो सिर्फ अस्पताल तक थी। नहीं रानी, हमें इसे बढ़कर कुछ करना होगा। वो क्या? हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वो इस मसले से दूर रहें। वो कैसे? उनसे कहेंगे कि अगर वो गए ना तो हमें भी साथ लेकर जाएं। क्या, तुम्हारा दिमाग सही है ना? हो सकता है रानी वो इस तरह बाज आ जाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो तो फिर साथ जाने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि अगवा कर हम लड़कियों को देखकर समन की बेटी को छोड़ दें। छोड़ेंगे नहीं, हमें भी उधर ही बिठा लेंगे। वो दोनों भी तो साथ होंगे ना हमारे। उन दोनों का अचार डालना है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम तो फिर इस मसले से कैसे जान छुड़ाएं? ए? क्या बातें हो रही है? और ये मुझे ये देख के खामोश क्यों होगी तुम दोनों? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। बातें कर रही थी तो मेरे आने पे खामोश होने की क्या जरूरत थी है? एक बात कान खोल के सुन लो। जी बताइए। ए, अब तुम दोनों में कोई गड़बड़ नजर आई उन मुस्टंडों के हवाले से तो तुम दोनों की खैर नहीं है। अम्मा, हमारा उन मुस्टंडों से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, वो जाएं जहन्नुम में, लेते रहे पंगे। पंगे? कौन से पंगे ले रहे हैं वो? पंगे? हाँ पता नहीं कौन से पंगे ले रहे हैं। बतूल, तुम बताओ ना कौन से पंगे ले रहे हैं वो। मुझे क्या पता, तुम ही तो कह रही थी, बताओ अब। हाँ, वो समन की बेटी अगवा हो रही है ना, तो उसे छुड़ाने जा रहे हैं। ए, मैं सब समझती हूँ, खाल खींच दूंगी तुम दोनों की अगर मैंने अब कोई बात सुनी तो। हाँ, तुम दोनों की खैर नहीं है, समझी? तुझे अकेला नहीं जाने देंगे तो बार बार क्यों जोर दे रहा है यार? हम? अरे मैं और बहादुर ना यार, अरे अब वो, उसको मैं घर बैठने दूंगा, वो चलेगा हमारे साथ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आपा ने पहले मेरी वजह से हंगामा किया हुआ है, तुम दोनों को इजाजत देंगी? अरे मामू, अरे इस वक्त इजाजत की बात नहीं है मामू, तुम सिचुएशन देख रहे हो कितनी गंभीर चल रही है यार यहाँ पे। जिब्रान ने मुझे अकेले आने को कहा है, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा। अरे मामू, अब तुम खुद को माफ नहीं कर सकोगे तो इसमें हमारा क्या मसला है? ये तो तुम्हारा और खुद का मसला हुआ ना। नवाब, ये मजाक नहीं है, उस शख्स से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अरे मामू, मेरे को लग रहा तुम अपन दोनों को थोड़ा लाइट ले रहे हो। अरे अपन दोनों कोई आम चीज नहीं है, समझे? बहुत हैंडल की हुई है ऐसी सिचुएशन हम दोनों ने। ये अगवा और बड़ी रकम का मसला है, ऐसे लोगों के लिए इंसानी जान की क्या हैसियत है? चूंटी की तरह मसल देते हैं इंसान को, और फिर अभी रकम की बंदोबस्त का भी तो प्रॉब्लम चल रहा है। अरे हाँ मामू यार, वैसे उस कमीने ने इतनी बड़ी रकम झट से मांगी ली है ना। वैसे मामू, इतना प्रॉफिट है अगवा के काम में? दुबई सुबह की नौकरी छोड़ यार, इधर आ जा, अपन दोनों के साथ मिलकर कंपनी बना लेते हैं कि ये धंधा कर लेते हैं यार। नवाब, तुम संजीदा नहीं हो सकते। अरे मामू, इससे बड़ी संजीदगी की और क्या बात हो सकती है मामू? अपन तीनों एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाएंगे और ऊपर बोर्ड में लिखा होगा कि जिसने अगवा करवाना वो हम तीनों से रابطہ करे, और मामू मैं उसका डायरेक्टर बनूंगा। नवाब, अरे तुम देख लेना मामू, इतने शौहर आएंगे अपनी बीवियां अगवा करवाने के लिए कि वो ही काम खत्म नहीं होना हमारे से सारी उम्र। तुम्हारी फजूल बातें खत्म हो गई हो तो हम काम की बात करें। अरे मामू, इतने काम की बात तो बता रहा हूँ यार। यार क्या तुम चाहते नहीं कि हमको अच्छा बिजनेस करें, हम एस्टैब्लिश हो जाएं? मामू, तुम चाहते हम सारी उम्र जॉब लेसी रहें यार। बेवकूफ, ये सोचो कि जिब्रान से कैसे निपटा जाए। अरे मामू, पैसे लेके जाइयो, बस ये बता रहा हूँ, बगैर पैसों के गए ना जूते पड़ेंगे हम तीनों को भी वहां पे गरम गरम। यही तो बंदोबस्त नहीं हो रहा समन से। मैं सोच रहा हूँ कि जिब्रान जिस तरह रिश्तों को धोखा दे रहा है, उसको भी तो धोखा दिया जा सकता है। अरे खुदा का वास्ता है मामू, को चलाकी मत खेल रही हो। वहां उसके पास कब्जे में वो बेचारी मासूम बच्ची जो है ना, उसकी जान तो खतरे में होगी, अपन तीनों भी। जिब्रान को खुद भी तो खतरा है। अरे इस बात का तो ज्यादा खतरा है मामू, गुस्से और झुंझलाहट में कुछ करना बैठे यार, और
पहले तुम पे इतना गर्म है मामू, तुमने उसकी बच्ची तोड़ ली है, पता है बहुत। सलीम सलीम नवाब, वो जिब्रान का फोन आया है, जल्दी आओ। हाँ अब तुम जगह बताओ, और देखो मरियम के बगैर तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ओ शट अप, ओके, यहाँ तुम्हारी शर्तें नहीं मेरी शर्तें चलेंगी। आपको अंदाजा है कि मैं किस कर्म में से गुजर रही हूँ पापा? ऐसे मौके पे आपको पैसों का ख्याल आ रहा है? बेटा पापा तो आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए आपको यहाँ लाया ना, फिर वो भला आपको क्यों बंद करेंगे? आप झूठ बोल रही हैं। रकम का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया पूरी। हाँ अब तुम जगह बताओ, और देखो मरियम के बगैर तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ओ शट अप, ओके, यहाँ तुम्हारी शर्तें नहीं मेरी शर्तें चलेंगी, और अगर ज्यादा कोशिश की ना हीरो बनने की तो हादसे के जिम्मेदार तुम हो गए, समझे? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें काम करो, शहर से मशक के जाने बाहर निकलो, जब आप पहुंचोगे तो मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा कि रकम कहां और कैसे पहुंचानी, पर अकेले, समझे? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं इतनी बड़ी रकम लेके वीराने में कैसे आ सकता हूं? फिर नई सिम और फिर नई जगह से कॉल कर रहा है, लेकिन वो पुरानी जगह के कुछ करीब करीब है। यार उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये कब पता चलेगा? ये ट्रेस करना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। हद होगी, ये किस किस्म का डिपार्टमेंट है आप लोगों का? वो बहुत समझदारी से काम कर रहा है। मैंने आज तक ऐसा कमीना शख्स अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे वैसे कमाल करते हो सेठ अंकल, अरे इतने सालों तक वो तुम्हारा दामाद बन के रहा है, तुमने उसको देखा ही नहीं क्या? अरे एक बात बोली है मामू मैंने। तुमने तो बोल दिया कि पेमेंट का बंदोबस्त हो गया, बट वेयर इज द पेमेंट? पापा ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, अगर आपसे पेमेंट अरेंज नहीं हो रही ना तो आप रहने दीजिए, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। बेटा मेरा ये कहने का मकसद हरगिज नहीं है। अरे मैंने तो एक बात बोली थी यार, मुझे क्या पता था वो सेठ अंकल भड़क ही उठेगा मेरे ऊपर। मिस्टर जमा हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें सोच समझ कर प्लान करना होगा। जी हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं। आपको अंदाजा है कि मैं किस कर्म में से गुजर रही हूँ पापा? ऐसे मौके पे आपको पैसों का ख्याल आ रहा है? ऐसा कब कहा है मैंने? तुम्हारे बगैर इस दौलत का मैंने करना क्या? और मरियम के बगैर मैंने क्या करना है? और तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र ऐसे नहीं होती पापा, आप प्लीज प्लीज इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए। ओ समन बेटा बेवकूफी की बातें मत किया करो। तो फिर और क्या करूं मैं? अगर सलीम ने कह दिया कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है तो इसमें गलत क्या है? पैसे अरेंज करने नहीं है हमने। तो बेटा तुम क्या समझती हो कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त 24 घंटे में करना कोई आसान काम होता है? मैंने कहा है ना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बेटा मैं तुम्हारी जहनी कैफियत को समझ सकता हूं मेरी जान, ऐसा उल्टा पुल्टा मत सोचा करो, रिलैक्स। मैंने बोल दिया ना, देखो बेटा ऐसे में हिम्मत करते हैं, टूटते नहीं है ना। रो मेरा बच्चा,
इतने उदास क्यों बैठी हो? इतने सारे टॉयज हैं, चॉकलेट्स हैं और गेम भी। अब हम गेम्स खेलेंगे। और हम भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? सिर्फ आप करती हैं। नहीं बाबा, पापा भी बहुत प्यार करते हैं। पापा मुझे प्यार करते हैं तो मुझे कमरे में क्यों बंद किया हुआ है? बेटा, पापा तो आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए आपको यहाँ लाया ना, फिर वो भला आपको क्यों बंद करेंगे? आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे? मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ ना। तो फिर आप मुझे मामा के पास छोड़ के क्यों नहीं आती? हम बहुत जल्द मामा के पास चलेंगे, ठीक है? फिर हम वहाँ आपसे मिलने के लिए आया करेंगे। अपने मामा से मिलवाओगी ना मुझे? लेकिन मैं मामा के पास कब जाऊंगी? मुझे यहाँ डर लग रहा है। अच्छा डरो नहीं, हम बाहर चलें, ढेर सारी बातें करेंगे। चलो मेरे साथ बाहर चलो। नहीं, पापा नाराज़ होंगे। क्यों नाराज़ होंगे? जब आप मेरे साथ बाहर जाओगी तो पापा बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। वो नाराज़ होंगे, वो बहुत गुस्से वाले हैं। आपको नहीं पता, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मुझसे सिर्फ मामा प्यार करती हैं, मुझे उनके पास जाना है। ठीक है, हम बहुत जल्द मामा के पास चलेंगे। ना हैप्पी? चलो चलो, चॉकलेट खा। खोल दूँ? पापा बहुत परेशान है, मेरा ख्याल है कि तुम घर चले जाओ। अरे मामू, मैं तुम्हें इस बंद सिगार वाले चचा के पास छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे कौन सा किसी कैद में हूँ? अरे मामू, अरे अभी तो फोन किया था उन्होंने अम्मा को। देखो फोन फोन होता है, तुम घर चले जाओ ताकि उन्हें एहसास हो कि हम दोनों यहाँ खैरियत से हैं। मामू, अरे कहीं तुम मुझे कबाब में हड्डी समझ कर तो नहीं जाने को बोल रहे ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम, जाओ अब घर जाओ, जाओ। अरे मामू डांटो तो मत ना यार, चला जाता हूँ। होशियार रही हो तो रही सिगार चचा से। ओफो, जाओ प्लीज। कहाँ गया नवाब? वो नवाब को मैंने घर भिजवा दिया। अच्छा किया, आपको भी घर चले जाना चाहिए। मेरे आपा से फोन पे बात हो गई थी। वो आपके लिए उतनी ही परेशान होंगी जितनी मैं मरियम के लिए हूँ। ठीक कह रहे। जब तक पापा पैसों का बंदोबस्त करते हैं आप घर से हो आइए। अगर आपा ने फिर नहीं आने दिया तो। आप वापस जरूर आएंगे? आपके ऐसी यकीन से तो डर लगता है मुझे। डरते क्यों हैं? बिला वजह का यकीन तो नहीं है ना? आप जाइए। इस हालत में छोड़ के जाने को जी तो नहीं चाहता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप फिक्र ना करें, जहां जबरान ने बुलाया है वहां आसपास पुलिस के लोग सादा लिबास में मौजूद होंगे। और उसने वहां जाकर ये बताना है कि इसके बाद कहां पहुंचना है। हो सकता है वो ऐसा ना कहे, और अगर कहा भी तो वो जगह इससे ज्यादा दूर नहीं होगी। लेकिन ये सब तुम किस तरह कह सकती हो? हमारा तजुर्बा है जी, ऐसी बात मुलजिम सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए करते हैं। आप बताइए, रकम का इंतजाम हो गया है? हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पेमेंट का इंतजाम वक्त पे हो जाए। रकम का इंतजाम जब भी हो, हमने जबरान को एक घंटा पहले इतला देनी है ताकि वो संभल ना सके और हम पूरी तैयारी से जाएं। कमाल, यही बात तो सलीम भी कह रहा था। ओ अच्छा, हम सब एक तरह से ही सोच रहे थे। नहीं, हम सब नहीं, समन ये सोचती है कि पेमेंट देते वक्त कोई भी ऐसी गलती ना की जाए जिससे मरियम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, और हमें उसकी बात का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात तो कहने की नहीं, हमारी सबसे पहली तरजीह मरियम को बाहिफाजत वापस लाना है। ठीक कहते हो तुम। ओके फिर मैं चलता हूँ,
बाकी हमले के साथ मिलके प्लान बनाना है। अल्लाह हाफिज। ओके, लेकिन याद रहे ये काम इंतहाई होशियारी से करना है। आप बेफिक्र हो जाएं। उस औरत ने मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पीर जी आप आ जाएं, वरना मेरा कुछ नहीं बचेगा। चम्मे को तो छोड़ें आप, मेरे बच्चे भी उसी का गुन गाते हैं। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उस कमबख्त ने उन्हें। बस एक दिन के लिए आ जाएं बेशक आप। अस्सलामुअलैकुम पापा। मैं आपको फिर फोन करती हूँ। क्यों अजियत देते हो मुझे? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अजियत देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। तुम्हें एहसास भी है किस तरह कांटों पर रात गुजारी है मैंने? आपा उसे मेरी जरूरत है। तो क्या मुझे नहीं है? आपा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, ये मजाक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा। जो अपनी बेटी को अगवा कर सकता है वो तुम्हें भला क्या समझेगा? खुदा के लिए निकालो अपने आप को इस मामले से। मैं समन को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। बड़ा ख्याल है तुम्हें उसका, मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे बढ़ के मुझे कौन हो सकता है? तो फिर तुम क्यों नहीं सोचते, ये आग है जिसमें तुम कूद रहे हो। इस आग में एक फूल पुकार रहा है मुझे, मुझे उसे बचाना है। तुम्हारी जिद से मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जिद नहीं है आप, मुश्किल में किसी का साथ देना है। जब वक्त निकल जाएगा ना तो वो तुम्हें पहचानेगी भी नहीं, ये बड़े लोग मतलब के होते हैं। समन के बारे में ऐसा मत कहिए, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? कुछ रिश्तों के कोई नाम नहीं होते आपा, बस महसूस होते हैं कि अहम है। समन से ऐसी रिश्ता है मेरा। पहेलियां मत बुझवाओ, मैं कुछ और पूछ रही हूं। इससे ज्यादा बताने को मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर खुदा के लिए निकालो अपने आप को इस मसले से। अब बहुत मुश्किल है आपा।